नमस्कार। सुजस आवाज राजस्थान में आज सबसे पहले विधानसभा कार्यवाही की खबरें। राजस्थान विधानसभा में आज स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पर चर्चा हुई। इसके पारित होने पर हर प्रदेशवासी को इलाज के साथ शुद्ध खाना, पानी और सफाई की गारंटी मिलेगी। इसे तय करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने बिल सदन में रखा। गौरतलब है कि राजस्थान में आज 88% परिवार स्वास्थ्य बीमा के दायरे में आते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका औसत मात्र 41% है। स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सदन में कहा कि गांवों में महिलाओं और बालिकाओं को दिए जा रहे मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स के आकार में कोई बदलाव नहीं किया गया है, फिर भी इस सिलसिले में विशेषज्ञों के सुझाव मिले तो उस पर विचार किया जाएगा। योजना को विस्तृत रूप से संपूर्ण राजस्थान में 1 करोड़ लगभग 40 लाख 35 लाख महिलाओं को, बच्चियों को 10 वर्ष से 49 वर्ष तक देने का निर्णय किया, तो इसमें साइज की बात आई और अभी आज की तारीख में हमारा 280 mm का ही साइज जा रहा है। इसके अंदर मैन सैनिटरी नैपकिन और बच्चियों और महिलाओं की जो फिजिकल हेल्थ को देखते हुए साइजेस के ऊपर अगर सुझाव आएंगे तो हमारा विभाग और चिकित्सा विभाग दोनों इसके ऊपर चर्चा करके एक एक्सपर्ट कमेटी जिसमें डॉक्टर्स भी रहेंगे और फील्ड के सुझावों के आधार पर इनके साइज को बड़ा और छोटा हम लोग कर सकेंगे। उपनिवेशन मंत्री सालेह मोहम्मद ने सदन में कहा कि जो काश्तकार बरसों से उपनिवेशन क्षेत्र की जमीन पर काबिज हैं और कृषि कार्य कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखने के प्रयास किए जाएंगे। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बताया कि खनन विभाग की ओर से जारी 121 में से 27 पट्टे आदिवासियों को दिए गए हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खान विभाग नियमित रूप से एमनेस्टी स्कीम के जरिए रॉयल्टी वसूली संबंधी मामले निपटा रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि जिन राजस्व गांवों में सड़क कनेक्टिविटी नहीं है वहां सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि जमीन नहीं मिलने और तकनीकी वजहों से आयुष चिकित्सालयों की जगहों में बदलाव किया गया है। कुल 19 जगह ऐसी थी जहां कुछ तकनीकी कारणों से या लैंड अवेलेबल ना होने की वजह से बजट यूज नहीं हो पा रहा था और उन 19 में से 10 को हमने, भरतपुरी नहीं और भी कई जगह जहां से रिक्विजिशन आया हमने चेंज किया है। और जहां तक दूसरा सवाल आपने बजट का कहा, ये सैप के अंतर्गत आता है, इसके बजट निर्धारित है, उसमें हम कोई वृद्धि नहीं कर सकते। पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने बताया कि पर्यटन कोष में 2022-23 में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि विपणन और पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने अलवर में फूड पार्क शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने ये भी बताया कि पर्यटन कोष में 2022-23 में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना के पुनर्गठन के लिए 69 करोड़ 58 लाख रुपए की टेंडर को मंजूरी दी गई है। इसका वर्क ऑर्डर इसी महीने जारी कर 1 साल में काम पूरा करवाया जाएगा। इससे जयपुर शहर के चार दीवारी और अन्य इलाकों में पर्याप्त प्रेशर से पानी मिलेगा। ACS PHED सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शिरडी पहुंचे। उन्होंने PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए और सभी की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए प्रथम विश्वयुद्ध के समय मेजर दलपत सिंह के नेतृत्व में हाइफा शहर को मुक्त कराने में जीवन का बलिदान देने वाले जोधपुर लांसर्स को नमन किया है। उन्होंने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। गंगोत्री धाम से दर्शन कर लौट रहे राजस्थान के करीब 400 श्रद्धालुओं को SDRF ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उत्तरकाशी जिले के गबनानी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण इन यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिली थी। गौरतलब है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्र में जमीन खिसकने से सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ACB ने सीकर जिले के खंडेला पंचायत समिति के सरपंच श्रवण कुमार को 2,10,000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में पकड़ा है। ये राशि सरपंच ने बिल पास कराने के एवज में मांगी थी। अरिंदम और सालेहा से प्रदेश की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार।